हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 8th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका लेसन 5 कंप्लीट हो गया, कोल एंड पेट्रोलियम। अब लेसन 6 चलेगा जो है कंबस्टन एंड फ्लेम। इसके अंदर कंसीडर करेंगे अपने पॉइंट। नेक्स्ट क्या क्या है? तो इसके अंदर देखते हैं लेसन 6 कंबस्टन एंड फ्लेम आपका क्या टॉपिक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कंबस्टन मीन्स होता है ऑक्सीजन से कांटेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग का जलना। फ्लेम का मतलब होता है इसमें जलने के दौरान फ्लेमिंग का आना। देन सबसे पहले आपका डिस्कस होता है इसमें कि जो आपके फ्यूल्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, किस तरीके से, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो ये आप फ्यूल के इसमें यूज़ करते हैं। तो आपका ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल, ऑफ फ्यूल्स एंड जस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल्स आप लाइक कैसा कह सकते हैं। एक तो वुड है सबसे बेस्ट, फिर कोल है, देन चारकोल है फिर पेट्रोल है, फिर डीजल है, फिर सीएनजी है, एक्सेट्रा। इसके बाद आता है व्हाट इज द कंबस्टर। कंबस्टन के अंदर आप ये लिख सकते हैं कि कंबस्टन हम किसे कहते हैं, तो एक केमिकल प्रोसेस, इन विच ए सब्सटेंस सब्सटेंस react with oxygen to give off heat is called combustion. देन आप ये बता सकते हैं कि कंबस्टन क्या है। तो एक बार देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कंबस्टन एंड फ्लेम के अंदर। आपको सबसे पहले जानना है कि फ्यूल क्या होते हैं। तो आप फ्यूल के बारे में लिख सकते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल, जस्ट लाइक आपके फ्यूल के बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को इधर उधर मिलते हैं, लाइक वुड, लाइक कोल, लाइक चारकोल, पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम, आपका चार पेट्रोल डीजल और सीएनजी लाइक एक्सेट्रा। इसके बाद जो है आप ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द कंबस्टन। तो कंबस्टन को समझने के लिए आप इसके लिए दो लाइन नोट डाउन करेंगे। ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड सब्सटेंस। एंड वॉट इज़ द फ्यूल, तो आप फ्यूल के बारे में आप ये बता सकते हैं कि क्या है फ्यूल। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं फ्यूल के लिए लाइनें, आप कंबस्टन में जैसे नोट डाउन कर लिए तो फ्यूल के अंदर भी लिखिए। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और एक हीट का अमाउंट बाहर निकालता है, उसे हम बोलते हैं कंबस्टन। एंड व्हाट इज़ द फ्यूल, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं द सब्सटेंस दैट अंडरगोज
combustion, that undergoes combustion is said to be fission, said to be combustible, it is also called a fuel. It may be solid, liquid or gas. कंबस्टेबल आप जैसे एग्जांपल आप बता सकते हैं कंबस्टेबल के अंदर मैग्नीशियम एंड चारकोल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंबस्टन. फिर आपका आता है कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल. तो ये क्या होता है कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल. अगर आपका जल गया तो आप कहते हैं कंबस्टन है, और अगर नहीं जला तो आप कहते हैं कंबस्टेबल नहीं है. इसी तरीके से आप जो है कंबस्टेबल को आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझा सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी आपको वो बता सकते हैं. इसमें नेक्स्ट आपको पढ़ना है, इसमें आपका जो जानकारी है वो है इग्निशन टेम्परेचर. तो पहले एक बार आपको बता दूं मैं कि जब आपका क्या करते हैं, जैसे आप इसमें कंबस्टन और फ्यूल के बारे में, आपका है कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल. तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि क्या इसके अंदर डिफरेंस है. Difference combustible and non-combustible. ठीक है. अब combustible के अंदर आप इसमें लिख सकते हैं आपका बेस्ट ऑप्शन है जैसे ऊर, आपका चारकोल, केरोसिन ऑयल, नॉन कंबस्टेबल का आप दे सकते हैं जैसे स्टोन पीस, दूसरा है आपका आयरन नेल, है आपका ग्लास. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कम दोनों के बीच में डिफरेंस. तो एक बार देखिए एट क्लास बच्चों आपका, मैंने आज कंबस्टन एंड फ्लेम शुरू किया लेसन सिक्स. इसके अंदर सबसे पहले आपको जानना है कि एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल अपनी डेली लाइफ के अंदर कौन कौन से हैं. तो ऑप्शन है वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एक्सेट्रा. फिर आपको जानना है कंबस्टन, देन वॉट इज द कंबस्टन. तो आप बताएंगे केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्टन. एंड द फ्यूल, दैट्स वॉट इज द फ्यूल, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्टन इज सेड टू बी कंबस्टेबल, इट इज कॉल्ड ए फ्यूल, इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. यानी कि कंबस्टन आपका सब्सटेंस ऐसा जो आपका कंबस्टन के अंदर आपका
वो सब्सटेंस जो है कंबस्टन यानी कंबस्टन के अंदर ऐसा सब्सटेंस जो कंबस्टेबल होता है यानी जल जाता है उसे हम कहते हैं फ्यूल। इट ये आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी। फिर आता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल। कंबस्टेबल का बेस्ट ऑप्शन वुड, चारकोल, केरोसिन ऑयल, ये तीनों को आप जला सकते हैं तो इनके अंदर फ्लेमिंग आ सकता है, हीट आ सकता है। बट नॉन कंबस्टेबल स्टोन पीसेस, आयरन नेल्स और ग्लास, इनको अगर आप जलाना चाहें तो आपको ना तो ऐसा दिखेगा कि फ्लेम, ना ये बर्न होते दिखेंगे। तो ये इस तरह के जो आपके एग्जांपल्स हैं वो नॉन कंबस्टेबल है। तो आपका इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।